नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है केमिकल एंड फिजिकल एनालिसिस ऑफ पेलेट। मतलब जब कभी हमारे यहाँ रॉ मटेरियल में पेलेट रिसीव होता है और उसकी टेस्ट रिपोर्ट हम इंफॉर्मेशन या नए लड़के देते हैं, सब्सक्राइब, तो क्या क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किस किस रेंज में होना चाहिए, इस वीडियो से ये जानकारी उनको मिलेगी। तो केमिकल एनालिसिस पहले देखते हैं। तो इसमें जैसे मॉइस्चर हो गया 0.62 या इसी की रेंज में रहता है मॉइस्चर, FET 63.06, LOI 0.11%, FeO 0.42%, SiO2 4.43%। ये एक सैंपल का बता रहा हूँ मैं, सैंपल वन मान लेते हैं इसको। और Al2O3 3.32%, CaO कैल्शियम ऑक्साइड 0.86%, MgO 0.18%, और फास्फोरस जो होता है वो 0.059%, और कार्बन 0.03%, और MPS 10.38 या इसके थम्सम में रहता है। CCS जो होता है कोल क्रशिंग स्ट्रेंथ 206 kg पर पेलेट, टम्बलर इंडेक्स 94.02%, एवरेशन इंडेक्स 3.96%, अनफायर्ड माने जो प्रॉपर रोस्टिंग नहीं होता वो पेलेट 0.90%, फिटेड जो आपस में चिपकी हुई रहती है 0.65%, मैग्नेटिक 1.5%, पोरोसिटी 22.44%। और उसकी जो स्क्रीन रिपोर्ट हम देखते हैं तो उसमें प्लस 18.19%, प्लस 16 mm 0.13%, प्लस 12.5 mm जो रहेगा 1.48%, प्लस 10 mm जो रहेगा 61.35%, प्लस 8 mm जो रहेगा वो 33.32, प्लस 6 mm जो है 2.48%, प्लस 5 mm 0.19%, प्लस 3 mm 0.42%, माइनस 3 mm 0.44%। तो ये जो रिपोर्ट है इसको यदि आप माइंड में रखेंगे तो आप जो उसकी टेस्ट रिपोर्ट होगी उसको मेज़र कर पाएंगे कि जो डाटा है वो रेंज में है कि नहीं है। दूसरा सैंपल में देखते हैं मॉइस्चर 0.19%, FET 63.55%। क्योंकि कई लोगों को पेलेट की यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी के बारे पूछते हैं तो उसकी जानकारी नहीं रहती, तो ये जो डाटा है उनकी हेल्प करेगा। SiO2 जो है 5% मैक्सिमम होना चाहिए, Al2O3 ये 2% मैक्सिमम होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड 0.6% मैक्सिमम, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.2% मैक्सिमम, और FeO तो वो स्टाइड बोलते हैं 0.6% मैक्सिमम, फास्फोरस 0.059% मैक्सिमम, और कार्बन 0.08%, और LOI 0.13%, सल्फर 0.003%, इसका टम्बलर इंडेक्स TI जो है और 95.21%, बाइनरी बेसिसिटी CaO/SiO2 कितनी होनी चाहिए 0.12% मैक्सिमम होना चाहिए, क्वार्टनरी बेसिसिटी ये कितनी होनी चाहिए CaO/MgO/SiO2 प्लस Al2O3 ये होना चाहिए 0.12% मैक्सिमम। तो इसमें बेसिसिटी क्या होती है आगे मैं डिफाइन किया हूँ, पोरोसिटी 24% मिनिमम होना चाहिए और MPS 11.64 या इसके लमसम में होना चाहिए, और ब्राउन पैलेट ये तो नील होना चाहिए, और जो रेड पैलेट होती है
ये ज़्यादा से ज़्यादा 1% होना चाहिए मैक्सिमम। और उसमें जो एग्रोमेट या फ्यूज्ड या जिसको क्लस्टर भी बोलते हैं, ये 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। और फिटेड प्लेट, जैसे जो प्लेट आपस में जुटे हुए रहते हैं, वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। और डी शेप जो रहते हैं, जो अनइवन शेप में रहते हैं डी शेप प्लेट, ये 2 के आसपास है, ये भी 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक प्लेट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसमें रहती है, ये भी 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पे फिटेड का बताया है, फिटेड मतलब जो बहुत ही अंडर साइज रहते हैं और आपस में जॉइंट रहते हैं। और डी शेप्ड पैलेट मतलब जो नॉट इन प्रॉपर शेप, ओरिजिनल शेप में नहीं रहते। अब यहाँ पर बताया बाइनरी बेसिसिटी, तो बाइनरी बेसिसिटी इज कैलकुलेटेड एज द मोलर रेशियो है, मतलब इसमें क्या है, बेसिक और एसिडिक का जो ऑक्साइड है उसका रेशियो है एक्चुअली में, वो बाइनरी बेसिसिटी। दीज ऑक्साइड कैन इन्फ्लुएंस वेरियस प्रॉपर्टी, मतलब जब स्टील मेकिंग होता है तो ये जो ऑक्साइड है ये कई प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट या विस्कोसिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं, स्लैग बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट डालते हैं इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। और जनरली बताया कि बेसिसिटी क्या होता है, तो बेसिसिटी टिपिकली रेफर टू द केमिकल, मतलब ये जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंट की या कंपोनेंट की, जिसमें वो कोई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट या डोनेट करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स इन केमिकल रिएक्शन, तो इसको हम बेसिसिटी बोलते हैं। इट इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसिड बेस केमिस्ट्री। और यहाँ पे क्वार्टनरी बेसिसिटी, इसमें क्वार्टनरी में मतलब 4 कंपोनेंट रहते हैं और उसी का बेसिक और एसिड का रेशियो जो होता है वो क्वार्टनरी बेसिसिटी कहलाती है। तो कई लोग उसमें क्वेश्चन कर सकते थे, तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि क्वार्टनरी और बाइनरी बेसिसिटी क्या होती है। तो ये एक डाटा है जो आप माइंड में रखेंगे, तो कभी भी टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। आर के इंफॉर्मेशन, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन।